आपको बताएं कि देखिए मोहन भागवत ने बड़ी बात कही है। उन्होंने दरअसल जिक्र किया है कि कैसे हिंदू धर्म प्राचीन काल से यहाँ चला आ रहा है और जो अभी जातीय व्यवस्था है उसमें बटे हुए, उससे बटे नहीं, एक साथ रहे। एक साथ रहने से फायदा भी होगा और बेहतरी भी होगी हिंदू समाज की। क्या कहा है मोहन भागवत ने, कहाँ ये बात कही है और असदुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं पसंद आ रही, चलिए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। देखिए राजस्थान के बारे में मोहन भागवत ने बयान दिया। जी हाँ, उनकी तरफ से कहा गया कि हिंदू एकजुट हो। उन्होंने आह्वान किया कि हिंदू एक साथ आए और इस पर मतभेद बुलाकर हिंदू समाज को एकजुट होना होगा। उनकी तरफ से कहा गया, यानी सारी दूरियां जो हटा दीजिए, मतभेद जो मन में ख्याल है वो मिटा दीजिए। मोहन भागवत के इस बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ता दिखाई दिया। AIMIM चीफ ओवैसी ने बयान पर पलटवार कर दिया, प्रश्न खड़े कर दिए। बयान को लेकर BJP और RSS पर निशाना साधने लगे। कांग्रेस और सपा ने भी बयान को लेकर हमला बोल दिया। किसी को, जो इंडी गठबंधन के अलग अलग चेहरे हैं, हालांकि असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि वो इंडी गठबंधन का चेहरा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनको ये बयान पसंद नहीं आ रहा है। आखिर भागवत के इस बयान पर सियासी पारा क्यों हाई है और क्यों इसको लेकर छटपटाहट देखी जा रही है बहुत से चेहरों, इस रिपोर्ट के जरिए पहले आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है। भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से मतलब। राजस्थान के बारा में संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समाज को एक खास संदेश क्या दिया, देश में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम का राग छिड़ गया। भागवत ने हिंदू समाज से आह्वान तो मतभेद और विवाद मिटाने का किया, लेकिन वार पर पलटवार होने लगे। भागवत ने कहा कि हिंदू समाज को सभी मतभेद बुलाकर अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हम यहाँ प्राचीन काल से रह रहे हैं। भारत माता के पुत्र है और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे, लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से, प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। भागवत के इस बयान से सियासत का पारा हाई हो गया और ओवैसी भाईजान हिंदू राष्ट्र की बात होते ही तिलमिला उठे। कहा कि ना तो भारत में हिंदुओं को खतरा है और ना ही मुसलमानों को, देश को किसी से खतरा है तो वो मोदी और भागवत से है। 10 साल के बाद भी मोहन भागवत को लग रहा है कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। सुनो मोहन भागवत, ना भारत के हिंदुओं को खतरा है, ना भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हाँ, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। हालांकि मोहन भागवत और ओवैसी के बयानों के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी भी मोहन भागवत पर हमलावर दिखी। सपा के विधायक रविदास महरोत्रा ने आरएसएस के साथ BJP पर आरोप लगाते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बात की जा रही है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध पर बात करने को तैयार नहीं है। वो अनर्गल मुद्दे छेड़कर जनता को मुख्य मुद्दों से भटकाना चाहती है। साफ है कि भागवत के हिंदू संदेश पर सियासी घमासान मचा हुआ है। हालांकि चुनावों के समय आए भागवत के इस बयान को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं और यही वजह है कि एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की गूंज चारों ओर उठ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वही गिरिराज सिंह ने भी अब प्रश्न खड़े कर दिए। उनका कहना है कि ओवैसी जो है राहुल गांधी के भाई बन गए और उनके DNA में देश का विरोध। सुनिए, ओवैसी के DNA में ही भारत का खतरा है,
भारत के लिए खतरा है, क्योंकि मोहन भागवत जी ने जो बात कहा वो 200% सही कहा। ये राहुल गांधी के दूसरे भाई बन गए हैं ओवैसी, बयान बहादुर मत बने। मोदी के राज में 1 इंच जमीन न कोई लिया है न लेने देंगे। तो गिरिराज सिंह को आपने सुन लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार हिंदुओं की जो है एकजुटता की बात हुई है। आपको याद होगा सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही थी और उनकी बात के मायने बहुत थे, और उसके कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वही बात दोहराई थी, और इन बातों का सार यही था कि जातियों में ना बटकर एक साथ रहे, एक साथ जुटे और एक साथ एक ही राह पर चले। सुनवा देते हैं आपको योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। तो हिंदुओं को जो संदेश दिया उससे सियासी कलेश तो बढ़ गया, लेकिन रणनीति ऐसा लग रहा है कि पार्टियों की बदल गई। अचानक से हिंदू एकजुटता की बात बार बार क्यों दोहराई जा रही है? चलिए जानकारी आपके सामने रख देते हैं, और ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि अचानक से इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है, बातचीत तेज हो गई है और बार बार कहा जा रहा है हिंदुत्व के मुद्दे पर। आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत का बयान। बीजेपी और आरएसएस ने हिंदुओं को संदेश देकर एक तरह से चेताया है, जगाया है। बीजेपी ने चुनावों में हार के बाद रणनीति बदल दी है और हिंदू वोट पर फिर से बीजेपी ज्यादा फोकस कर रही है। लोकसभा चुनावों में जिस तरह का नुकसान हुआ है उसके बाद ये रणनीति बदल गई है। 400 सीटों का टारगेट था लेकिन टारगेट पूरा नहीं हो पाया, 240 पर ही भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। बीजेपी का अंदेशा है कि हिंदू वोटर्स जाति में बढ़ गए हैं, जो सियासी दल फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जातियों की बात करते हैं, पीडीएफ फॉर्मूले की बात करते हैं, उसमें बढ़ गए हैं हिंदू, और ऐसे में उन्हें एकजुट करने की अब कवायद की जा रही है। अब बीजेपी हिंदू वोटर्स को एकजुट करने में जुटी हुई है और यही वजह है कि रणनीति बदल कर ये बार बार ऐलान किया जा रहा है। लेकिन हमने आपको बताया हिंदू एकता को लेकर ये जो बयान है इनके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, इसको इस बात से भी जोड़ा जा रहा है कि इंडी गठबंधन के कई चेहरे जातियों को बांटकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं और इससे सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। तो इन तीनों बयानों के मायने क्या हैं? रिपोर्ट के जरिए अब आपको समझाते हैं। बांटने वाले महफिल सजाएंगे, बांटेंगे तो भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। ये तीनों बयान इस बात का सबूत है कि आरएसएस और बीजेपी बिखरे हुए हिंदू वोटर्स को एकजुट करने में जुटे हैं। बीजेपी का मानना है कि कभी पीडीए के नाम पर तो कभी नौकरियों में आरक्षण के नाम पर विपक्ष हिंदुओं को बांटने में जुटा है। लगातार उनके वोट बैंक में जातियों के नाम पर सेंधमारी की जा रही है, जिसका नुकसान बीजेपी को लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए चुनावों में भी उठाना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि एक तरफ कांग्रेस और सपा है जो हिंदुओं को जाति में बांटकर सियासी फायदा लेने में जुटी है, तो दूसरी तरफ जातियों से हटकर बीजेपी हिंदुओं को धर्म के नाम पर एक होने का संदेश दे रही है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता लगातार एक के बाद एक बयान देकर हिंदुओं को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनावों के पहले से ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जातियों के आधार पर अपनी सियासत मजबूत करने की जुगत में जुटे हुए हैं। इसी का नतीजा है कि इंडिया अलायंस की बात होते होते अखिलेश पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का राग छेड़ देते हैं। अगर देश बचाना है तो हमारे आपके वोट से बचेगा, वोट से ही लोकतंत्र बचेगा, वोट से ही संविधान बचेगा, वोट से ही आरक्षण बचेगा, और वोट से ही हमारे देश की आबादी के 90% लोग जो पीडीए हैं उनको बचाने का काम होगा। अखिलेश ही नहीं, राहुल गांधी भी कई मौकों पर जातियों का समीकरण साधते दिखे हैं। कभी पदों पर बैठे अधिकारियों की जाति पर सवाल उठाया तो कभी संसद में बीजेपी को घेरते दिखे हैं।
मुझे लग रहा है, मैं देख रहा हूँ रेलवे को, मुझे लग रहा है कि जात का सिस्टम बना रखा है। ये सबसे ऊपर ऊपर राजा महाराजा है और फिर आस्ते 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 अलग अलग जाते बना रखी है। उसको नाम, उसका नाम बदल दिया, लोको पायलट दे दिया, ट्रैकमैन दे दिया, रेलवे के महादलित हो आप। अखिलेश और राहुल के इन बयानों के बाद साफ है कि बीजेपी अब इन जातियों के चक्रव्यूह को तोड़कर हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम में जुट गई है, जिससे वो चुनावों में हो रहे नुकसान से पार पा सके और आरएसएस अपने हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर आगे बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बोलिए भारत माता की। तो हिंदुओं को संदेश तो दे दिया गया है, कितना असर होता है ये देखने वाली बात होगी। चलिए